वज्रे कात्यायनी पड़ा दारुभायां महामायां मथुरायां सुरेश्वरी खुदाता भूताना सागरच। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. तो दोस्तों फिर से मैं निकल पड़ा हूँ एक बहुत ही खास एंड स्पेशल राइड पे, और इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरा पूरा टीम। हम लोग 5 जन जा रहे हैं फॉर दिस लॉन्ग ड्राइव, और इस बार मैं जा रहा हूँ तारापीठ। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट तरीके से कैसे आप तारापीठ जा सकते हो इस लॉकडाउन पीरियड में। कितना खर्चा आएगा, कहाँ पर आप रुकोगे, कैसा कैसा जगह पे आप देख सकते हो। ये टोटल एक पैकेज, एक टूर सीरीज होने वाला है। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये इस रास्ते का नाम क्या है? शुभ, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड? NH 34। ओके, ये है NH 34। ये रास्ता आप जो देख रहे हो ये सीधा जा रहा है कोलकाता, और इधर से आप देखोगे ये सीधा जा रहा है जस्ट लाइक नॉर्थ बंगाल, शिलीगुड़ी, भूटान, अब जो दार्जिलिंग, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट। ये रास्ता सीधा आसाम सीधा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल तक। तो गाइस ये रास्ते का कंडीशन अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, बट एडवेंचर है, टूर है तो करना पड़ेगा। सो हम लोग कौन सा हम लोग ग्रुप में कौन कौन है पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सागर थोड़ा सा हाय बोल दो। हेलो। ओके सागर, ओके दिस इज शुभ, हाय हेलो बोल दो थोड़ा सा। ओके ये राणा को तो शायद आप लोग जिसमें मुझे फॉलो करते हो, राणा सर तो बाहर आ जाओ। आपको पता है राणा और मैं पहले भी दीघा एक टूर कर चुके हैं, ये हम लोग का सेकेंड ट्रिप है। एंड ये माय फादर। ओके हम सभी निकल पड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल जर्नी में टू द तारापीठ। यहाँ पर हम लोग का डेस्टिनेशन सिर्फ तारापीठ नहीं है, बिकॉज काली माता का टेम्पल है तारापीठ, आपको तो पता है। और काली माता का टेम्पल में पूरा दुनिया भर में, सॉरी इंडिया में 51 पीठ है, 51 पीठ है। उस 51 पीठ में से 6 पीठ को हम लोग आज एक्सप्लोर, आज नहीं 2-3 दिन लगेगा शायद, एक्सप्लोर करेंगे। सो एक जगह पे जाएंगे, शूट करेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो गाइस ये टोटल सीरीज़ आपको बिल्कुल देखना है। तो नाउ अब ये टी ब्रेक, हम लोग घर से निकलने के टाइम में बहुत स्लीपी फील हो रहा था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। सो अभी थोड़ा सा चार्जअप हो चुका हूँ। 3 बाइक जा रहे हैं हम लोग के साथ, वो भी दिखाएंगे। तो ये टोटल ट्रैवल सीरीज़ है, चलिए देखते आगे होता है क्या। तो दोस्तों ऑलरेडी जर्नी के लिए हम सब रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो 2-3 बाइक वी आर ऑलरेडी। सो गाइस शुभ फर्स्ट यू गॉन। शुभ चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट इंटरेस्टिंग एडवेंचरस राइड। राणा बेस्ट ऑफ लक, गो अहेड, चलो। और ये है मेरा बाइक, सागर और हम दोनों एक साथ। सो दोस्तों जर्नी के लिए हम तो बहुत ही एक्साइटेड है, होप सो यू ऑल आर एक्साइटेड। तो चलिए दोस्तों जर्नी को शुरू करते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस भाई, देखो जस्ट सुबह होने वाले हैं। हम लोग राइड शुरू किए थे सुबह 3:30 बजे, अभी ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं। बट अभी मैं इस ब्लॉग को क्यों शुरू कर रहा हूँ, जस्ट कुछ देर पहले क्यों मैंने शुरू किया, कि उस टाइम बिल्कुल भी लाइट नहीं था। और ये जो सभी बसेस देख रहे हो, यहाँ पर बहुत ऐसे बसेस मैंने देखा जो नॉर्थ बंगाल से आ रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक शिलीगुड़ी से, आसाम से बसेस आर कमिंग फ्रॉम देयर। ये है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले इंडिया का एकमात्र बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोड। गाइस हियर इट इज। फॉरएवर फ्री step back to see the truth. हम लोग किशन नगर आ चुके हैं और कितना किलोमीटर ड्राइव हम लोग ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर ड्राइव हम लोगों ने किया अभी तक कितना किलोमीटर 90 ओके 101 किलोमीटर ओके राणा भाई 101 किलोमीटर शुभ 90 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैं भी वही 90-95 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने ड्राइव किया है। तो यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ पर हॉल्ट पर कर रहा हूँ थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक है। इस रेस्टोरेंट में थोड़ा खाना वाना खाएंगे क्योंकि सुबह में बहुत भूख लग चुकी है। सो गाइस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ आपसे। एक्चुअली अगर आप कोलकाता टू तारापीठ जाना चाहते हो देयर आर थ्री वेज, तीन तरीके से आप पहुँच सकते हो। एक ये किशन नगर का एकदम मेन सेंटर जहाँ पे पूरा बस सब देख सकते हो। यहाँ पर कैब रुक कर यहाँ पर ये लोग खाना वाना खाते हैं, फ्रेश थोड़ा सा रिफ्रेशिंग जगह है। ये सब रेस्टोरेंट एरिया है। तो कोलकाता टू तारापीठ जाने के लिए एक्चुअली तीन वे है। नंबर 1 ट्रेन, नंबर 2 बस रूट, ये बहुत ही फेमस बस रूट है, और तीसरा अगर आपके पास खुद का बाइक और खुद का ऐसे कैब हो। तो एक एक करके मैं आता हूँ। कोलकाता का जो शियालदह स्टेशन से आपको आराम से ट्रेन मिल जाएगा। मैं एक बार ट्रेन में भी गया था सुबह के टाइम में, सुबह 5-5:30 बजे शायद ट्रेन का टाइम था। नाइट का भी ट्रेन आपको मिल जाएगा और ट्रेन का भाड़ा बहुत ही नॉमिनल है, लगभग 80 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ लगभग। अगर आप रिजर्वेशन करोगे 20-30 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेगा। और बस रूट भी है। बस रूट अच्छा कोलकाता से तारापीठ कितना किलोमीटर 260 किलोमीटर ओके। कोलकाता टू तारापीठ 260 किलोमीटर अराउंड। बस आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, आपको धर्मोदरा से मिल जाएगा, स्लैट से मिल जाएगा, बारासात से मिल जाएगा, एयरपोर्ट एरिया से मिल जाएगा, बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ द ऑल द थिंग्स। तो ऑलरेडी जो ऑर्डर हम लोगों ने किया है यहाँ पर देख सकते हो, 3 है, 1, 2, 3 पूरी, उसके साथ है ये एकदम दाल और एक मिठाई भी है। और ये पूरा प्लेट का कॉस्ट पड़ा 35 रुपीज़। देख सकते हो ये राणा भाई जिस लाइक टूट पड़े कैसा टेस्ट कितना कैसे राणा ओके खेते कौन लग जाए भालो सागर ओके। तो जनाब ऑलरेडी खाने पीने के बाद नाउ टू मूव ऑन राणा, चलो निकलो। अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग का बेलडांगा ओके। शुभ बेस्ट ऑफ लक। और मैं अभी राइड नहीं करूँगा, अभी तक राइड कर रहा था, अभी मुझको पीछे बैठना है। तो चलिए बाइक में ओके सिनेमैटिक शॉट भी लेना है। लेट्स मूव ऑन। चलिए दोस्तों अभी यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो मूव ऑन। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं हम लोग पहुँच के हम लोगों का जो सेकेंड क्या बोलूँ जस्ट लाइक हॉल्ट दैट इज़ अ बेलडांगा। बेलडांगा ये देख सकते हो बेलडांगा मार्केट है। बेलडांगा बहुत ही फेमस है फॉर द गमछा, गमछे के लिए बहुत फेमस है बेलडांगा, फेमस है लुंगी के लिए, बेलडांगा फेमस है लाइक मिर्च के लिए फॉर द ग्रीन मिर्च। तो यहाँ पर राणा আমরা একসাথে যাবো। हाँ हाँ বিখ্যাত গামছা। মাই ড্যাড দে বোথ আর লুকিং ফর গামছা। গামছার দাম কেমন গো? 80 টাকা। যেমন নেবেন তেমন হবে। 80 টাকা? 80 টাকা। এটা? হ্যাঁ। এটা আমাদের বিলগুড়িয়া ফিলগুড়িয়া কত? তিনটা হলো। দেখো जस्ट ये गमछे का दाम है ओनली 80 रुपीस। सिर्फ 80 रुपीस। बिलगुड़िया দমদমে দাম কত? এটা 100 টাকার উপরে দাম। দেখো। यहाँ पर लोग पाइकड़ी जो है ना जिस क्या बोलो उसको क्या बोलते रिटेलर होलसेलर सॉरी तो जो होलसेलर है यहाँ पर गमछा खरीद के जो बड़े बड़े कोलकाता के दुकान में शिफ्ट होता है तो यहाँ पर सस्ता मिलता है यार। गमछे में 50 रुपये 20 रुपये तक आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। आप देख सकते हो दिस इज द डिफरेंट गमछा। तो भैया चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही गमछे का दुकान है और यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है बिकॉज ऑलरेडी मोर देन 150 किलोमीटर ऑलरेडी राइड हो चुके हैं और फीलिंग सो मच पेन बिकॉज बाइक के पीछे बैठे रहना ये भी एक बहुत ही मेहनत बड़ा काम है भाई। यकीन मानिए जो बाइक अभी तो मैं चलाऊंगा बिकॉज हम लोग शेयर कर रहे हैं। सागर कुछ चला रहा है, मैं कुछ चला रहा हूँ। ओके सागर, नाउ आई विल राइड। अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अच्छा रास्ता आपने चला लिया, पूरा रास्ता मैं चलाऊँगा। ओके बट रोड कंडीशन वॉज वेरी गुड। ये टोल वाला रास्ता था, रोड कंडीशन वॉज वेरी गुड। लगभग 70 से 80 किलोमीटर भाई 110 किलोमीटर के नीचे ही नहीं आ रहा था, क्यों ना हो, इतना खूबसूरत सा रास्ता है। तो ठीक है चलो भाई, देखते हैं आगे का सीन क्या है। तारापीठ जाने के रास्ते में एक जगह के नाम है पलसंडा और यहाँ पर भी एक माता जी का, काली माता का एक पीठ है जिसको बोला जाता है किरीटेश्वर टेम्पल। तो हम लोग हाईवे से अंदर आ चुके हैं एक लोकल एरिया में, जा रहे हैं यहाँ से 5-7 किलोमीटर अंदर है शायद। तो लोकल एकदम एरिया देख सकते हो, हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये जगह भी बहुत फेमस है, माता काली का एक पीठ है। तो जाने के बाद बीच में सोचा इस मंदिर को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके जाया जाए। दोस्तों ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं द किरीटेश्वरी माता के मंदिर में। यह बहुत एक फेमस काली माता का पीठ, 51 जो पीठ है उनमें से एक है काली माता का ये किरीटेश्वरी माता का मंदिर। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। किरीटेश्वरी माता की जय। सो आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव वी हैव रीच्ड एट लीस्ट। So दोस्तों it was so amazing. The journey was so amazing. राणा come in. हम लोग आ चुके हैं, पीछे पीछे हम लोग दो और बाइक आ रहे हैं, राणा जी आ रहे हैं। ओके बाइक को पूरा अंदर ले जाओ, सामने छाव में रखो। सब लोग दोस्तों आ चुके हैं। आप सुबह से 3:30 बजे निकले थे और ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाला जर्नी था। बहुत टायर्ड भी हो चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ, आप देख सकते हो, फीलिंग सो मच टायर्ड। बट उसके बाद भी खुशी है, चलो फर्स्ट टाइम आई हैव कम भैया। चलिए थोड़ा सा फ्रेश होकर दिखा दें आगे का सीन क्या है यहाँ पर। और एक चीज़ आपको दिखाना है, इस मंदिर यहाँ पर 3 एग्जैक्टली मंदिर है। देयर आर 3 टेम्पल्स भैया। ये मंदिर पंडित जी से पता चला, ये जो सबसे पुराना जो आप देख रहे हो, ये जो टूटा फूटा हुआ मंदिर है, ये मंदिर का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नियर अबाउट 900 साल पहले, 900 ईयर्स अगो। तो जो पंडित जी ने बोला यहाँ पर जाओ, माता जी का जो पहला मंदिर यहाँ पर ही खोला गया था। डर लग रहा है थोड़ा सा, देख सकते हो ये पूरा टूटा फूटा हो चुका है कम्प्लीटली। ये मंदिर 900 साल पहले का, ये वन काइंड ऑफ हिस्ट्री है गाइस, इट इज़ अ हिस्ट्री। और ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल का जो स्टोरी है दैट इज़ अ 300 साल पुराना, 300 ईयर्स पुराना। तो ये वाला जो सबसे पुराना 900 ईयर्स, ये 300, ये भी 300 साल का, मतलब समझ सकते ये भी बहुत पुराना है। पर रिनोवेशन का थोड़ा सा काम हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और भी टेम्पल है, वो वाला जो टेम्पल देख रहे हो, दिस इज़ द टेम्पल। ये 30 साल पुराना टेम्पल है, 30 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है। चलो इसको भी थोड़ा सा सीन आपको अंदर जाके दिखाते हैं सीन कैसा है। मंदिर के पीछे ये है एक टंकी, यहाँ पर भी फ्रेश हो सकते हो यार। पीछे है तालाब, वहाँ पर भी जाकर फ्रेश हो सकते हो। पर मैं यहाँ पर फ्रेश होने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। सागर बैग चेक, यहाँ इधर सब रोए से मंदिर देखिए, सब ठीक है। ओके काउंटर में जमा कर दिया। सो हम लोग थोड़ा सा फ्रेश व्रेश अभी हो चुके हैं। अभी का सीन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्पल को पूरे गोल गोल करके घूमेंगे और माता जी को करीब से देखेंगे। सिंहवाहिनी शिवद्युति उग्रचंडा प्रत्यंगे परमेश्वरी विशालक्षी महामाया कुमारी सिंघानी शिवा चक्रिणी जयोधात्री। सो दोस्तों, ये था एकदम काली माता को एकदम करीब से देखने का एक्सपीरियंस। अंदर देख रहे थे जो प्रीस्ट है वो पूजा कर रहे थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे। सो ये था सीन। वहाँ पर मैं पूरा चुप रहा क्योंकि आपको थोड़ा सा फील करवाना था क्या सीन है, क्या चीज़ है। किरीटेश्वरी मातार मंदिर श्री श्री क्रिकेट 51 पीठेर एक पीठ। ओके, तो पूजा देने के लिए यहाँ पर देखो पूजा का डाला, और इसको बोला जाता है पेड़ा, पेड़ा भी बोला जाता है इसको, आप देख सकते हो। डालार दाम कत पूजा मैं कत स्टार्टिंग कत अगर आप घूमने आ रहे हो यहाँ पर पूजा देना चाहते हैं, यहाँ दो टाइप ऑफ आप पूजा का थाली मिलेगा। ये है 51 का, यहाँ पर फूल है, आलता है, सिंदूर है, धूप है, मिठाई है, सब कुछ भैया सबको अरेंज करके देगा। ये 101 का, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, बड़ा डाला है, यहाँ पर आप कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स है। तो दिस इज सीन्स ओवर हियर। सो अभी हम लोगों को भी पूजा देना है, वी हैव टू ऑल्सो ऑफर द पूजा टू, हम लोग की पूजा देना है, पूजे का सीन देखना है। थोड़ा सा आप भी देखो, ये है मंदिर का चारों तरफ, कितना पुराना टेम्पल है। 51 काली माता का पीठ है, इसमें से हाँ एक सेकेंड, इनमें से एक ये है। आपको एक गोल गोल थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ। इसमें से बाइक राइड यू नो जस्ट लाइक अच्छा लग रहा है अभी बिल्कुल अंदर से अच्छा लग रहा है इस मंदिर के आने के बाद। ये बहुत ही पुराना, देखो आसपास का जो जगह है ये टूटा फूटा है कितना। दिस आर ब्रोकन कम्प्लीटली बिल्डिंग्स ऑल दिस आर। तो भाई ये है पूजा का सीन। चलिए अभी अंदर देखते हैं, अंदर थोड़ा सा पूजा पाठ का सीन देख कर ही आपको बाकी डिटेल्स देते हैं। धूपकाठी मोमबाती जला मोमबाती और ये है माता जी का ओरिजिनल मूर्ति, ये है ओरिजिनल मूर्ति। बट ये मूर्ति सर वक्त यहाँ पर लाया नहीं जाता है फॉर द सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। स्पेशल मोमेंट जब पूजा होता है उस वक्त पोष महीना का जो मंगलवार है माता जी का उत्सव लगता है, वही दिन दोपहर 1 के बाद शाम तक आएगा। तो ये मूर्ति आपको राजवेश में दर्शन होगा माता जी का राजवेश होता है। अच्छा, पोष महीना का मंगलवार। ओके, तो अगर आप भी आना चाहते हो, ये जो पिक्चर है माता जी का पूरे राजवेश का, अगर आप मूर्ति देखना चाहते हो तो पौष मंथ में आपको आना है। कौन सा दिन में? मंगलवार को आना है, दोपहर को 1 के बाद शाम तक। ओके, 1 बजे से शाम बजे तक। ये एक बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन था जो आपको मैंने दे दिया। तो एट लास्ट हम लोग का पूजा अर्चना हो चुका है, मंत्र पाठ भी हो चुका है, और जो डाला मैंने खरीदा था वो भी देकर पूजा कंप्लीट। अभी कुछ देर यहाँ पर बिताएंगे। बिलीव मी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत शांति लग रहा है। तो दोस्तों मंदिर में पूजा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 1 से 1.5 घंटे स्पेंड करके अभी यहाँ से निकलना है, तारापीठ जाना है। बट तारापीठ जाने से पहले हम लोगों को एक पीठ है जो है नौलहाटी राइट। नौलहाटी का जो एक दूसरा काली माता का पीठ है, वहाँ पर भी हम लोग एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर जो माता जी का मुकुट और सर का जो इस पोर्शन, जिसको इंग्लिश में फोरहेड बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है मुझे पता नहीं, वो गिरा है। और जो नौलहाटी में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जो उसका जो गला वो गिरा है, वहाँ पर जा रहे हैं। तो ब्लॉग ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, मैं यहाँ पर ब्लॉग को क्लोज कर रहा हूँ। बाकी जर्नी इन्जॉय करने के लिए दूसरा ब्लॉग देखो, डोंट मिस इट। ये पहला वाला ब्लॉग है मेरा जो तारापीठ कोलकाता टू तारापीठ जर्नी का। दूसरा ब्लॉग में मैं इस किरीटेश्वरी माता जी के टेम्पल से मैं जा रहा हूँ नौलहाटी। नौलहाटी के बाद मैं जाऊँगा डायरेक्टली तारापीठ। आज पूरा काली माता का दिन है, सेलिब्रेशन का मूड है। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ये हमारे शिलाखंड, ये शिला के केंद्र करे हमारे इतिहास, किंतु मुश्किल होच्छे किरीट कथार अर्थ भीषण भावे विकृत हो गए छे। की कथार अर्थ किरीट कथार अर्थ किरीट कथार अर्थ भीषण भावे विकृत हो गए। किरीट बोलते क्यों बोलते मुकुट, क्यों बोलते कपाल, क्यों आबार देखें गाड़ी थे नामते नामते हाथी से डाकते लगछेन आसन 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 एटा आदि ओटा आदि एटा आसन ये सारा दिनेरई तर्जा, किन्तु आसल तथ्य किन्तु ता नय। आसल तथ्य हच्छे करटी, करटी थेके किरीटी कथाटा एसेछे, खुलिटा स्कार्टा। एई करटी आमादेर 3টে भागे विभक्त, सूर्य चंद्र ज्ञान 3টে भागे आलदा आलदा नामकरण। प्रथम भागर नाम सूर्य, द्वितीय भागर नाम चंद्र, तृतीय भागर नाम ज्ञान। एकी आबार दक्षिण भारतीय लोकेरा बोलछेन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जे कारण देखें साउथेर लोकेरा कपाले त्रिकोणुली देन, शैव साधकरा त्रिकोणुली देन, केउ एभाबे देन केउ एभाबे देन। उद्देश्यटा किन्तु 3টে उद्देश्य। विज्ञान नहीं जरा पढ़ाशोना करेछेन साइंसेर छात्र छात्री ओनाराओ किन्तु जाने जे स्काल्पचार 3টে पार्ट इंग्लिशे तार नामकरण। एखानेओ शिलाटा लक्ष्य करे देखो 3টে पार्टी माला देवा हयेछे, बुझते पारछेन 3টে स्तरे माला देवा हयेछे पाट 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 करे। এই পীঠস্থানের प्राचीन नामकरण কিরিটেশ্বরী छिल ना, पीठस्थान प्राचीन नामकरण छिल किरीट कणा, करटिर कणा थेके चलती नाम किरीट कणा। तार कणा मानो पाट, ताहले विज्ञान शास्त्र नामकरण आकृति सबेर मध्ये एकटा छोंया पाय गेल, किन्तु दुर्भाग्य बाइरे बेरोले आबार विकृत एटा आदि ओटा आदि एटा आसल। सूतरां समाज आमादेर प्रतिहिंसाय पुष्टे विभ्रांति थाकबेई, किन्तु इतिहास के टलानो खूब मुश्किल। इतिहास इतिहास मंदिर प्रतिष्ठा करे गेछेन नाटोरेर रानी भवानी। नाटोर हच्छे पूर्वबंगे राजशाही जिलार जमीदारी स्पट हच्छे नाटोर। नक्शा मतो माके देखते पाच्छेन त्रिनयनी जीवा, किन्तु बाकी जे आनुषंगिक लता पाता फूल जे नक्शाटा आमरा चोखे देखछि एई नक्शा किन्तु फूल पाता लता नय। এই নকশা হচ্ছে বৌদ্ধতন্ত্রের শ্রীযন্ত্রম, বৌদ্ধতন্ত্রের শ্রীযন্ত্রম। এর কারণ প্রাচীন যুগে এখানে এক সময় বৌদ্ধতন্ত্রের ভীষণ প্রভাব ছিল, তিব্বতী তান্ত্রিকদের ভীষণ রমমাণ ছিল।